Mary heart freeze kar rahe. मैं अभी लालुंग में हूँ और यहीं पे हम लोग टेंट सेटअप करने वाले हैं। ये जो पूरी वैली है ये अल्टीमेट वैली है और स्पीति वैली में आता है। ये देखिए वैली मेरे पीछे, धूप जा रही है इस समय इसलिए हाथ जो हम लोग का शिविर कर रहा है। पूरी बर्फ है आप देख सकते हैं, इट्स वेरी टफ बट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई थिंक टेंट के लिए और हम लोग यहीं पे टेंट लगा देते हैं। दिस इज अ टेट्रा टू कॉलबन और हम लोग बेस जो है ये लगाएंगे फ्लेक्स और आगे। हम अनबॉक्स कर रहे हैं अभी, यहाँ -5 degree टेम्परेचर है ऑलमोस्ट। दिस इज अ वेरी प्रीमियम टेंट जो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए माना जाता है। इसके अंदर ही इन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे इस टेंट को लगाना है। यहाँ पे इस टेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इस टेंट का प्राइस 14,000 है एंड ये 2 पर्सन के लिए है। इस टेंट में अभी यूवी प्रो टेक्नोलॉजी है, एल्युमिनियम पोल्स लगा हुआ है, रिप स्टॉप मटेरियल है और ये देखिए इस तरीके से यहाँ सो सकते हैं इस टेंट में। सामान रखने के लिए 39 cm by 16 cm का इसमें जगह दिया गया है। ये फायर रिडंडेंट है यानी कि इसको आप जला नहीं सकते हैं, फायर से आपको बचा लेगा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस टेंट के लिए। पोल है इसमें, इस पैकेट में मुझे मिले हैं और इसमें शायद हुक्स होने चाहिए जो टाइटन अप करने के लिए काम आता है। ये इस तरीके के इसमें हुक्स है, ओके, एल्युमिनियम के। आपके टेंट में होल हो जाता है, अगर पंचर हो जाता है तो ये पंचर पैच है। सो दिस इज अ पंचर रिपेयर किट। आखिर टेंट लगा। कॉलमन का ये टेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेंट है। दिस इज नॉर्मल योगा मैट, दिस इज एल्युमिनियम मैट, इट सीम्स दैट दिस इज इंसुलेटेड मैट एंड इट हेल्प्स इन एक्सट्रीम। लेट्स सी, मेरे हाथ फ्रीज हो चुके हैं। 5:25 हुए हैं, सन पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। गाइस ये टेंट है अंदर से, कसम दे बहुत ठंड आएगा। नहीं अगर बहुत ठंड होगी तो फिर वापस आ जाएंगे लोग। नहीं नहीं है कप है, कप है, कप है। नहीं और चाय भरा हुआ है इसमें। हम लोग टेंट के अंदर हैं और ये जो है कॉलमन का ये लैंटर्न जल रहा है। अदिति नंदन जी को हम लोग बिठाए हुए हैं, इनके लिए होम स्टे में जगह बुक है। ये है वैशाली सीता जी जो आज रात में मेरा साथ देने वाली हैं। तो अभी सबसे अच्छी चीज ये हुई, मजा ये आया कि गांव के सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और चाय ले लेकर के आ रहे हैं। उनको ये पता करना है कि आखिर ये लगा क्या और इतनी ठंड में वो लोग कंबल तक देने को तैयार है। आई थिंक कि हम लोग को तो रात में कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होना है, लेकिन फिर भी हम लोग स्लीपिंग बैग लेकर के सोएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आई वॉन्ट टू नो दैट दीज स्लीपिंग बैग जो ये क्लेम करते हैं वो एग्जैक्टली उनका क्लेम जो है सही होता है कि नहीं होता है। जैसे हम लोग घर पर गेट टुगेदर करते हैं बस उसी तरीके से यहाँ पे भी गेट टुगेदर हो रहा है। और ये है चेयरिंग, दिस इज अदिति ननन, दिव्या वारियन एंड ऑफ कोर्स मी। गाइस डोंट बिलीव वेयर वी आर वॉकिंग ऑन स्नो। या वी हैव जस्ट कैंप्ड एंड वी आर गोइंग अपवर्ड्स जस्ट टू ड्रॉप दिस टू गाइस because we have facility of only 2 sleeping bags which can resist in -18 degree. So we'll just drop them to the homestay and then we will experiment our camping site. We're just getting in this home where we are going to have our dinner. So welcoming, oh God, when we had set up our tent at that time
There were so many villagers who came and said, why are you sleeping here? Please do come in our house. अभी रात के 7:30 हुए हैं और हम लोग लालुंग में शेरिंग जी के खातिरदारी में हैं, मतलब मेहमान नवाजी हमारी हो रही है और मजेदार एक्सपीरियंस है. हाँ दे दीजिए. You can see the man walking. He is Divyab. That's a little slippery snow area and I'm here at the tent side. Lalung is the place where you can find snow leopards. So we have placed this tent in the position where behind our tent is just a jungle and mountain. And it is told by the villagers that most of the time snow leopards, they come from that side of the area. I know it's a little deadly here, but weather is deadly. There is extreme. We just love our crystal Colemon lamp. Since I'm wearing very thick socks, warm socks, so my shoes are so tight, it becomes really difficult. Ow! I'm just closing the inner tent. This insulated base is really helpful. We could feel it. We are having one yoga mat, the simple yoga mat, which is in orange color, and above that there is a silver insulated base. -3 temperature, 9:43 p.m. 3546 meter. We are at Lalung. So friend, Paisali ji apne sleeping bag mein aa chuki hain. ये नॉर्थ फेस का स्लीपिंग बैग है. कंफर्ट लेवल है वो -10 degree है और एक्सट्रीम जो है -30 degree है. मैं अभी ट्रिम का करने जा रहा हूँ जिसका कि कंफर्ट लेवल 0 degree है और जिसका एक्सट्रीम लेवल आई थिंक -21 degree है. सबसे पहले मैं फ्लीस डालूंगा और फ्लीस के बाद उसको लेकर के मोड़ूंगा. हम लोग फिर बात करते रहेंगे बीच बीच में उठ करके, बिकॉज मुझे भी अपनी गाड़ी भी स्टार्ट करनी है जो यहाँ से ऑलमोस्ट 150 meter के आसपास है. हम बिल्कुल बर्फ़ के ऊपर हैं और सोने की कोशिश करेंगे, देखते हैं. अभी हम और वैशाली दोनों अपने अपने स्लीपिंग बैग में हैं. मुझे लिटरली में बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है, बिकॉज स्लीपिंग बैग मेरे बस की चीज़ नहीं है. एडवेंचर की सारी चीज़ मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझसे होना बहुत मुश्किल है. लेकिन फिर भी चलिए, ये पूरा टेंट आप देख लीजिए. अंदर से ये पूरा जो टेंट है ये पूरी तरीके से पैक्ड है. और मेरा उधर देखिए, आप लाइट जल रहा होगा. चश्मा खोल लेता हूँ और चश्मा को मैं डालता हूँ ये बगल वाले, आप देख रहे हैं ये, इसमें बड़ा अच्छा सा दिया है तो इसमें चश्मा मैं रख लेता हूँ. अब चूँकि ग्लास नहीं है ये, इसलिए अच्छा है, नहीं तो वो क्रैक कर सकता था. अब ठंड बहुत ज़्यादा है. बाहर हमने गर्म पानी का एक फ्लास्क रखा हुआ है, आई होप वो जमे नहीं और टिक जाए, चूँकि टेम्परेचर बहुत कम है बाहर. चलिए फ्रेंड, ओके, गुड नाइट. बज रहा है 12:50, 3 घंटे हो चुके हैं, 4:05 हुए हैं. मैं फिर उठा हूँ, फिर मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है जाकर के नीचे. स्लीपिंग बैग ने काम किया है, कम्फर्ट लेवल है, उस कम्फर्ट लेवल से ही नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा घुटनों के पास जो है थोड़ी सी ठंड लगती है. टेंट की हालत ये है, तो उस टेंट बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब पैक्ड है. लेकिन अभी जो मुझे जो दिखी है वो है कि जो मॉइस्चर है ना वो सिप कर रहा है, यानी जो ठंड है वो फर्स्ट लेयर को से सेकंड लेयर में ट्रांसफ़र हो रहा है. देखिए अभी यहाँ पे ये बर्फ़ जम चुका है टेंट के बाहर पूरा. यहाँ पे तो नहीं है, जो है ना ये पानी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है अभी. आई थिंक कि जो लोग भी इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में काम कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, इट इज़ रियली टफ. मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम लगा, तो अभी जब मैं बाहर निकला हूँ तो अभी ठीक लग रहा है. लेकिन जब मैं पूरी तरीके से अपना सर छुपाए हुए था इनसाइड द स्लीपिंग बैग, तो मुझे एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. आई थिंक मेरा स्लीपिंग बैग काम करेगा. और वैशाली जी भी देखिए लगता है कि उठ गई हैं, और मेरा स्लीपिंग बैग एकदम थर्ड क्लास है. और वैशाली का जो है स्लीपिंग बैग काम नहीं किया है.
और ये जो स्लीपिंग बैग है ये सबसे महंगा स्लीपिंग बैग था। मैं जाता हूँ नीचे गाड़ी स्टार्ट करने, तब तक के लिए आपसे विदा। हम लोग देख रहे हैं कोई वाइल्ड जानवर तो नहीं है, नहीं अभी अब देख रहे होंगे कुछ नहीं है, कोई स्नो लेपर्ड अब तक तो आया नहीं है। हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई आ जाए, मैं नीचे उतर रहा हूँ। सुबह के 4:05 हुए हैं, यहाँ पे ब्लैक पैचेस हैं स्नो के जो स्लिप करते हैं, उससे सिर्फ बचना है। तो भाई साहब मैं पहुँच गया अपने कार की तरफ। ये देखिए वहाँ टेंट है मेरा, लाइट जल रही है। ऑलमोस्ट डिस्टेंस जो है 200 मीटर्स या 150 मीटर के आसपास का है। और कार मुझे स्टार्ट करनी है बिकॉज इट्स अ डीजल एसयूवी डस्टर, और जम गई थी 2 बार काजा में, और फिर हर तीन घंटे पे उठ करके मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। Right now I'm just seated in my sleeping bag because my sleeping bag, I don't find it more comfortable for me right now. Not even right now, the time when I got into the sleeping bag. I had kept this as option that in case if I'm feeling cold, then I may be using this fleece. Divya has just gone down to give ignition to the car. Although the tent is comfortable, but still I could see that the water is seeping little bit, and frankly speaking I was unable to sleep whole night. I thought that once I got asleep, but then again when I changed the position, air came inside my sleeping bag and I was like, I woke up. Okay, one more thing. It's when you place fleece inside your sleeping bag, then it becomes so congested that you are unable to move, and that becomes very suffocating. Many a times I was getting suffocated, and that's why I had to, you know. So how? अब मेरी एंट्री शुरू हो रही है टेंट के अंदर। पूरी जो टेंट की जो सीलिंग है वो बिल्कुल बर्फ से, आप देख सकते हैं पूरी बर्फ से ढकी है। टफ है लाइफ, बट हम लोग सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्फ जम रही है तो आप समझ ही रहे होंगे ठंड बहुत तेज है। देखिए अभी बर्फ मैंने जैसे ही किया, बर्फ जो है सो झड़ी है। देखिए ये ताजी साथ में है, तो ये एक्सट्रीम मैं अकेले ही कर रहा होता अभी, लेकिन सीता जी भी काफ़ी दिलेर हैं, उनकी दिलेरी और बहादुरी का मैं कायल हूँ बहुत पहले से। स्लीपिंग बैग में बैठी, ये देखिए सीता जी को स्लीपिंग बैग में बैठी हुई है। अच्छा इसमें ठंड लग रही है और मैं फ्लीस से लपेटी हुई हूँ अपने आप को, बट आई एम ग्रेटफुल टू द फ्लीस दैट आई एम कैरिंग फ्रॉम होम। मित्रों गुजरात तो जीत गया मैं। चाय भी नहीं गरम, दिख रहा होगा -4 degrees है। ऊपर मैं खोल रहा हूँ पूरी तरीके से जमा हुआ है, आई डोंट नो कि गर्म है कि नहीं है। गर्म है, ये देखिए दोस्त ऊपर का जो पोर्शन है चाय का ये वाला जमा हुआ है, अंदर चाय गर्म है, तो इसमें हम और सीता जी दोनों चाय पीने की कोशिश करेंगे और आपको ठंड के का जो है आनंद देंगे। लीजिए ना, पहले पियो ना टैक्टिकल टॉर्च। ये हमने इनर सर्किल को बंद किया है, अब जरा चाय का आनंद ले लिया जाए। चाय तो बहुत गर्म है फ्रेंड, हाँ 4:45 के आसपास हुआ है। पहला बार गया 1 बजे, दूसरा बार गया 4:15 में।
जब पहली दफा जब गया कार ऑन करने तो 3 बार मिस स्टार्ट हुआ, मैं तो डर गया 3 घंटे के बाद ही। लेकिन ज्यादा माइनस डिग्री में हो और तो फिर मुझे लगता है कि 2-2 घंटे से चालू करना। एक्सट्रीम्स ऑलवेज डू फ्यू इडियोटिक थिंग्स। अभी आप सोचो फ्रेंड कि अगर अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ तो सोचिए कि मतलब एक टेंट के अंदर सर्वाइव करना कितना टफ है। गर्मा गर्म चाय का मजा ठंड में, और वो भी सुबह 4:45 बजे। बैड टी। जब हमारा नाइट टाइम खत्म होने वाला है। एंड अभी अगर फोटोग्राफी के लैंग्वेज में अगर बोलें, नॉटिकल ट्वाइलाइट अभी शुरू हो चुका है, सन इस साइड से निकलने वाला है यहाँ। अरे दोनों महानुभाव पहुँच गए हैं, मुझे पता था कि 6:30 पहुँच जाएंगे। ये देखिए खुला। हेलो गुड मॉर्निंग। आइए जी। हाँ जी सोया बढ़िया से। फ्रेंड रात में मैंने बताया था आपको ऑलमोस्ट 4:30 बजे। अभी अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारा जो लैंटर्न है, ये लैंटर्न में पूरी तरीके से अंदर बर्फ जम चुका है। इतना टेम्परेचर कम है, ये देखिए पूरा बर्फ जमा हुआ है। और जो इनसाइड द टेंट है, देखिए इनसाइड द टेंट भी पूरी तरीके से सिप कर चुका है। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम टेंट है ये देखिए, लेकिन फिर भी ये देखिए पूरा बर्फ जमा हुआ है। अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ, मेरे बाल पूरे बिखरे बिखरे से हैं क्योंकि कैप के अंदर ऐसे ही हो जाते हैं। यही चीज़ आई हेट, बट अदरवाइज इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। मॉर्निंग 7:30, मुझे 1 घंटे की नींद अच्छी मिली आफ्टर 5:30, जब मैंने ये नागालैंड का कंबल अपने स्लीपिंग बैग के ऊपर डाला, तो देन आई वाज लाइक क्वाइट कोजी एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट। इट्स मॉर्निंग। ये मेरा टेंट है, मैं टेंट से बाहर आ गई हूँ और मेरे टेंट के पीछे क्या है, टेंट के पीछे वो माउंटेन है जहाँ से स्नो लेपर्ड आते हैं अक्सरा। ओके दिस इज जंगल बिहाइंड दिस माउंटेन। फर्स्ट टाइम मैं तो स्नो के अंदर मैंने टेंट में रात गुजारी है। वैसे टेंट में कंचनजंगा में गए थे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम। एंड काश अभी आ जाए एक स्नो लेपर्ड मुझे बकरा समझ के। मैं इसी टेंट में थी। हेलो फ्रेंड, द टेम्परेचर इज -4°C एंड स्नोफॉल जस्ट स्टार्टेड। हम लोग जो है टेंट को खोल करके पैक कर करके और भागेंगे यहाँ से। शी इज गटू जमो एंड शी इज सिस्टर ऑफ पजोर। ये था लालुंग और बस इस विलेज से मैं निकल रही हूँ। टेंट में थे पूरी रात और मेरा स्लीपिंग बैग अच्छा नहीं था। खैर लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग अगेन थोड़ा सा स्नो श्रिडलिंग एंड वापस धूप हो गई है।